आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र को बहुत ही आसान तरीके से। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पे। वास्तुशास्त्र को लेके लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। आसान तरीके से समझाऊंगी कि वास्तुशास्त्र होता क्या है और क्यों उसको फॉलो करना चाहिए। जिनका अपना घर है उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र करने का मतलब है या वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने का मतलब है कि बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और वही आधे से ज्यादा लोग जो रेंट पे रहते हैं उनको लगता है कि यार ये मेरा अपना तो घर है नहीं, तो मैं क्यों वास्तुशास्त्र को फॉलो करूं। आप जिस भी घर में रहते हो, भले वो रेंटेड अपार्टमेंट हो या अपना खुद का हो, उस घर की जब निर्मिति होती है, निर्मिति मतलब जो जब वो बनता है, बिल्ड होता है, जब उसके फोर पिलर्स बनते हैं, वॉल बनती है, छत बनती है, उसी टाइम पे वास्तुशास्त्र की जो एनर्जीज है उस घर में क्रिएट हो जाती है। तो भले आप वास्तुशास्त्र को मानो या नहीं मानो, उसकी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में ऑलरेडी आ रही होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। उदाहरण देती हूँ, अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लॉकेज है तो आप ये एक्सपीरियंस करे होंगे, जैसे कि आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही होगी, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्स भी मर मर के आ रहा होगा। वैसे ही अगर आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो जो भी आप पैसे कमाते हो वो सारे पैसे खर्च हो जाते होंगे, सेविंग्स कम होती होगी। अब आप लोगों को ये सुन के लग रहा है ना कि ये तो सारी चीजें हर घर में होती है, उसमें कौन सा बड़ा बता रहे हो। चलिए और एक उदाहरण देती हूँ, आज खाना बनाते वक्त ना खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, आपको डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। कल फिर से खाना बनाइए, कल फिर से खाने में थोड़ा नमक कम डाल दीजिए, वो भी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप नमक को बैलेंस करके चलते हैं अच्छा खाना बनाने के लिए, तो वैसे ही घर को बैलेंस करना होता है पंचतत्व के अकॉर्डिंग कि ये ब्लॉकेजेस का मतलब क्या है। देखिए वास्तुशास्त्र में ना हर एक जोन का, हर एक डायरेक्शन का एक कलर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में घर को सेट करने के टाइम पे गलत डायरेक्शन में गलत कलर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है। मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर को सेट करने के लिए सिखाऊंगी, जिसमें हम घर को पहले डीक्लटर करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये दोनों चीजें जब हो जाती है तब हम लगाएंगे वास्तु रेमेडीज, और इन वास्तु रेमेडीज को लगाने के बाद आप आपके घर में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे। ऐसे बहुत सारे आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर दे दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।